हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में मैं आपको आलमबाग बस स्टैंड की पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आलमबाग बस स्टैंड आलमबाग लखनऊ शहर के उत्तर प्रदेश राज्य में बना हुआ है और इसका पिन कोड 22605 है। और यह बस अड्डा लखनऊ शहर का सबसे मुख्य और प्रमुख बस अड्डे में से एक है। इसके अलावा लखनऊ में दो और बस अड्डे बने हुए हैं, जिसमें से एक है चारबाग बस अड्डा और एक कैसरबाग बस अड्डा। कैसरबाग बस अड्डा इसके दूसरे नंबर पे आता है, उसके बाद आपको चारबाग बस अड्डा मिल जाता है, जहाँ से आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट की बसें वहाँ से अवेलेबल रहती हैं। लेकिन आलमबाग बस स्टैंड पर जब आप आते हैं तो यहाँ से आपको कई प्लेटफॉर्म और कई जगह की मेजर डिस्ट्रिक्ट की बसें यहाँ से कवर की जाती हैं, जिसमें से आपको एसी और नॉन एसी दोनों बस की अवेलेबिलिटी यहाँ पे आपको 24 घंटे अवेलेबल रहती है। और यह 24 घंटे खुला रहता है, यहाँ पे आपको आसानी से बैठने का, रहने का, सिटिंग का अरेंजमेंट यहाँ पे बना हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं इसमें पूरी जानकारी कवर करूँगा बस अड्डे के बारे में, कहाँ की बसें आपको मिलती हैं, कहाँ से आपको इंक्वायरी काउंटर पर जानकारी मिलेगी, आप आलमबाग बस अड्डे कैसे पहुंच सकते हैं, क्या क्या कनेक्टिविटी है यहाँ से, और आलमबाग बस अड्डे जाने के लिए आपको रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से कैसे जुड़ा हुआ है, तो इस बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले जब आप चारबाग रेलवे स्टेशन पर आते हैं या लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आते हैं, तो वहाँ से आपको बाहर निकलने पर आपको कई सारे जो है ऑटो टैक्सी वाले जो है वहाँ पर खड़े रहते हैं। तो उनसे अगर आप मेट्रो से नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऑटो या ई रिक्शा करके या टैक्सी करके आलमबाग बस स्टैंड जाने के लिए बोलते हैं, तो वो आपको 15-20 रुपए फेयर लेकर के वहाँ से आपको आसानी से छोड़ देते हैं। उसके अलावा आप जो है मेट्रो से भी जा सकते हैं, चारबाग से आलमबाग के लिए मेट्रो चलता है, तो आलमबाग मेट्रो स्टेशन पर उतारेगा, वहाँ से आप सीधे बस अड्डे के अंदर एंट्री ले सकते हैं। बस अड्डे में आपको जो है सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, वहाँ पर टॉयलेट, बेंच, स्नैक्स, फूड, रेस्ट रूम भी अवेलेबल है वहाँ पे। ये आप सामने देख रहे हैं फ्रंट में, ये लेडीज़ टॉयलेट है और जेंट्स टॉयलेट भी सेपरेट बना हुआ है। सामने ये पिंक सेवा खड़ी हुई है, यहाँ पे ये जो है फीमेल के लिए बस सेपरेट चलाई गई थी यूपी गवर्नमेंट के थ्रू, इसमें खाली फीमेल का अलाउ है जर्नी। बाकी आपको जो है ये वोल्वो बसेस यहाँ से मिल जाती हैं, एसी डीलक्स जनरल बसें भी यहाँ से जर्नी के लिए मिल जाती हैं आसानी से। अगर आप आलमबाग बस अड्डे एयरपोर्ट से आना चाहते हैं तो अमौसी एयरपोर्ट से आपको जो है मेट्रो मिल जाती है। मेट्रो से आप जो है डायरेक्ट अमौसी एयरपोर्ट से आलमबाग बस स्टैंड के लिए टिकट ले करके वहाँ से आप जो है मेट्रो से जर्नी करके बस अड्डे में आ सकते हैं। यहाँ से आपको शॉर्टेस्ट रूट के लिए इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, आनंद विहार, मुरादाबाद, बरेली, नई दिल्ली आदि इस तरह की जो है मेजर डिस्ट्रिक्ट की बसें यहाँ से आसानी से अवेलेबल रहती हैं। बाकी मैंने आपको यह लिस्ट आगे इसमें दिखाई हुई है, उस लिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं कि बस का क्या टाइमिंग है, क्या बस का जो है फेयर रहता है, कहाँ पे बस लगती है, कौन से प्लेटफॉर्म पे रहती है। ये जो है इसमें ये प्लेटफॉर्म का व्यू है, यहाँ से आपको जो है रेस्ट रूम मिल जाता है बैठने के लिए। ये सामने जो है ये स्नैक्स का शॉप है, यहाँ पर आपको जो है फूड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बिस्किट का पैकेट वगैरह यहाँ से मिल जाते हैं। ये पिंक बसेस की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर पिंक बसेस का जो है प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये लगती है यहाँ पर। ये एक एसी वेटिंग हॉल है, यहाँ पे बना हुआ है, वातानुकूलित प्रतीक्षालय लिखा हुआ है यहाँ पे, आप जा कर के वेट कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे रेस्ट रूम बना हुआ है, बेंच पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप जो है वेट कर सकते हैं बैठ कर के। आपका बस अगर का एक घंटे का, दो घंटे का अगर बस का जो है टाइम है तो यहाँ पर आप बैठ करके रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है सामने शॉप भी मिल जाती है, लिफ्ट लगा हुआ है ऊपर के जाने के लिए। बाकी डिस्प्ले में यहाँ पे ये जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट भी होता रहता है, डिस्प्ले में भी आता रहता है कि कौन सा बस कहाँ का जाने वाला है, एसी बस है, डिलक्स बस है, जनरल बस है, नॉन एसी है, तो वो सब यहाँ पे जो है दिखाते रहते हैं। बाकी सामने आपको जो है वहाँ पे टिकट बुकिंग काउंटर मिल जाता है, यहाँ पर ये समय सारणी लगा हुआ है, इसमें टाइम लिखा हुआ है कि आगरा से ISBT का बस कहाँ के लिए है, अयोध्या का बस कहाँ के लिए है, शाहगंज है, फतेहपुर, बदायूं, बांदा, तो ये अलग अलग जगह का जो है यहाँ से आपको मिल जाता है। दोस्तों वीडियो में मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी है, कवर कर लिया ऑलमोस्ट मैंने सारा इन्फॉर्मेशन।
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह के कंटेंट्स अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।